नमस्कार, श्री राधा बल्लभ एकेडमी में आपका स्वागत है। और बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना 6th चैप्टर लेंगे, जिसका नाम है सर्कस। और ये एक कविता है और इसको लिखा है कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो मैं कविता को स्टार्ट करूं, उससे पहले हम जो है थोड़ा सा कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जान लेते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इनको आप जब आप आगे की कक्षाओं में आएंगे तब इनके बारे में आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत महान कवि थे। और ये खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। इससे पहले जो है खड़ी बोली इतनी ज़्यादा चलन में नहीं आई थी। और राष्ट्रकवि की जो संज्ञा है इनको महात्मा गांधी जी ने दी है। और इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। चिरगांव इनके गांव का नाम है। और इनकी जो बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें से ही एक रचना में से ये हमारी सर्कस कविता ली गई है। तो इनकी जो कविताएं हैं, स्वप्नवास दत्ता है, भारत भारती है, साकेत है, उर्वशी है, इनकी वजह से इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1947 में। तो इतना परिचय आपके लिए कवि का बहुत है। और अब हम थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। और जो हमारी कविता है वो है सर्कस। तो सर्कस के शब्दार्थों के बारे में पहले जानेंगे हम, ठीक है, और देन उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे कविता को, ठीक है। तो हमारा पहला शब्द है कौतूहल। कौतूहल का मतलब है जानने की इच्छा। अनोखे मतलब निराले, हाजिर मतलब उपस्थित, नाहर मतलब शेर। नाहर लोकल लैंग्वेज है, आपने देखा वो गांव में आपके जो दादा दादी वगैरह रहते हैं ना, वो शेर को नाहर ही बोलते हैं। स्वच्छंद मतलब आजाद, विस्मय मतलब आश्चर्य, बहु मतलब बहुत या फिर अधिक, मनुष्य मतलब आदमी, मित्र का मतलब है दोस्त, ठीक है। तो ये शब्दार्थ आपको पता चल गए। और अब हम अपने क्या करते हैं, कविता का वाचन में कर रही हूँ। आप लोग अपनी अपनी बुक्स लेकर आ जाइए, अदरवाइज आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। और जब आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो जल्दी से बुक्स लेकर आइए, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमारी कविता है सर्कस। कौतूहल के, चलिए स्टार्ट करते हैं। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय से खेल अनोखे, देखे बहु आयाम अनोखे। यानी जो कवि मैथिली शरण गुप्त है वो सर्कस के बारे में बता रहे हैं। आपने भी ग्वालियर मेले में सर्कस आता है तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो सर्कस देखने के लिए गए होंगे। तो वहां पर जो सर्कस में काम करने वाले लोग होते हैं वो तरह तरह के करतब दिखलाते हैं। ये कविता उन्हीं के बारे में है, ठीक है। तो होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल अनोखे, देखे बहु आयाम अनोखे। यानी कि कोई जो बच्चा है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं कहाँ गया, सर्कस में गया, तो मैंने वहां पर क्या देखा एक दिन सर्कस में जाके, भय विस्मय के इसलिए कि कई बार आपने देखा होगा वो ऊपर से जंप लगा देते हैं या आग के गोले में से बाहर निकल जाते हैं, या रिंग मास्टर जो होता है वो क्या करता है, वो शेर के सामने चला जाता है। तो इसलिए भय और विस्मय, यानी आपको डर भी लग रहा है और साथ साथ आश्चर्य भी हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था विस्मय का मतलब आश्चर्य, ठीक है। तो भय विस्मय के खेल अनोखे, देखे बहुमाया आयाम अनोखे, यानी अलग अलग तरीके के आपने वहां पर गेम देखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब मैं ना यूं बोली। यानी कि उसमें जब बच्चा, जो कोई बच्चा है वो सर्कस देखने के लिए गया, तो वहां पर वो सर्कस में क्या देखता है कि एक बड़ा सा बंदर आता है और एक लैंप को जलाता है। लैंप मतलब पहले जमाने में होती थी जिसमें मिट्टी का तेल भर दो और उसके बाद में शीशा लगा देते थे, शीशा लगाने के बाद उसको हटा देंगे, लैंप जला देते वो, ठीक है। तो या फिर आजकल वो चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो लाइट चीजें आप स्विच ऑन कर दो तो लैंप चालू हो जाता है। तो एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, तब मैं ना यूं बोली। यानी कि जो बंदर आता है वो टेबल पर बैठ जाता है, टेबल पर बैठने के बाद में वो क्या करता है कि बल्ब को जलाता है और एक कुर्सी जो पड़ी होती है उस पर बैठ जाता है, और बैठने के बाद में क्या करता है, वो एक बुक खोलता है, और तभी वहां पर एक मैना आ जाती है और वो बोलती है,
हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कोड़ा, तब तक आया एक बछेड़ा, चड़वंदर ने उसको फेरा। यानी कि जो मैना थी वो घोड़े से क्या कह रही है, सॉरी जो मैना थी वो बंदर से क्या कह रही है कि हुजूर आपका घोड़ा आ गया है, चौंक उठाया उसने कोड़ा। यानी जैसे ही मैना ने उसको बोला कि आपका घोड़ा आ गया है तो बंदर ने तुरंत कोड़ा उठा लिया। कोड़ा मतलब एक लगाम जिसको हम जिस जानवर के ऊपर बैठते हैं उससे उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कोड़ा, यानी तभी सब लोग क्या देखते हैं कि जो बछड़ा होता है गाय का वो उसको घोड़ा बोल रही होती है, लेकिन क्या होता है वो गाय का बछड़ा होता है। चढ़ बंदर ने उसको फेरा, यानी बंदर उसके ऊपर चढ़ गया और चारों तरफ रिंग में गोल गोल घूमा। टट्टू ने भी किया सपाटा, रस्सी फांदी चक्कर काटा, फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में चुरुट दबाकर ऐठा। यानी कि जो टट्टू का मतलब होता है घोड़े गधे की, जैसे घोड़ा होता है वैसे गधा होता है, और गधे की भी एक प्रजाति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको टट्टू कहते हैं। तो उसने क्या किया, उसने भी रस्सी फांदी, गोल गोल चक्कर काटा, और फिर बंदर जो है दोबारा से कुर्सी पे बैठ जाता है और मुंह में उसने चुरुट दबाकर ऐठा, यानी कि चुरुट दबाया और उसको ऐंठ दिया। मतलब हम उसको किसको कह रहे हैं, चुरुट, चुरुट का मतलब सिगार। लास्ट टाइम पे जैसे सिगरेट पीते हैं वैसे ही जो सिगार होता है, आप देखना सर्च करना गूगल पर जाकर, तब आपको सिगार के पिक्स दिखेंगे। माचिस लेकर उसे जलाया और धुआं भी खूब उड़ाया, ले उसकी अधजली सलाई, तोते ने अब तोप चलाई। यानी कि जैसे ही बंदर ने वो सिगार को जलाया और पीने लगा, तभी वहां पर जो तोता होता है वो क्या करता है, उसको ले लेता है और उससे क्या जलाता है, तोप चला देता है। ये सब हंसी वाली बातें है ना, तोप चलाता है। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया, मनुज सिंह को देख लड़ाई, मैंने इस भांति बढ़ाई। यानी कि जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि रिंग मास्टर जो होता है या आदमी होता है वो शेर के पिंजरे में चला जाता है, वही चीज है यहाँ पर। तो लास्ट में जब सर्कस में ये सब चीजें हो जाती है, उसके बाद में एक रिंग मास्टर आता है लॉइन को लेकर, और लॉइन के साथ में मनुष्य की जो है आदमी की लड़ाई को देखकर उनको बहुत लगता है, किससे साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है, मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। यानी कि वो देख रहा था, जो बच्चा गया था देखने के लिए, वो क्या कह रहा है कि जो मनुष्य है उस वो क्या किससे डरता, किसी से भी नहीं, नाहर जैसे, नाहर मतलब शेर, शेर जैसे इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेता है, शेर जैसे इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे। फिर तो जो उसका साथ में एक मित्र बैठा हुआ था वो भी बोलता है कि भाई तू क्या, तुझे तो डर लगता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यह सिंगी का जना हुआ है, किंतु स्यार यह बना हुआ है, यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। यानी कि जो उसका मित्र था वो क्या बताता है कि ये जहर सिंही का जना हुआ है, यानी कि ये है तो शेर का बच्चा है ना, लॉइन ने इसको जन्म दिया है, बट ये जो है सियार, सियार का मतलब फॉक्स, जो डरता है सभी से, वो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस समय ये पिंजड़े में बंद है, आजाद नहीं है, स्वच्छंद नहीं है, इसीलिए ये ऐसा है, इसलिए मनुष्य पर अटैक नहीं कर रहा है। यह छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया, अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। यानी कि जो उसका मित्र है वो उसको क्या बता रहा है कि बचपन में ही इसको जंगल से पकड़ के ले आए थे और लाकर इसको पिंजरे में बंद कर दिया था, तभी से इसको ट्रेन किया गया था, मार मार के इसको सिखाया गया था, इसी वजह से, क्योंकि इसको मारा था हमने, मार मार के सिखाया गया है, इसी वजह से ये हमसे डरता है और हमारी बात को मानता है। तो इस पर क्या, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे आती मुझे दया, यानी कि जब वो पिटता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जंगली जानवरों से प्रेम करना चाहिए और किसी भी पशु को इस तरह से सताना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि जंगली जानवर जो है वो आपसे भी प्रेम करेंगे, जो जैसा कि हम अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ते आए हैं, तो मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। और सैटरडे को हमारी डाउट क्लास होती है, आप में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा करिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व करूंगी। तो हमारी इसी के साथ क्लास समाप्त होती है।
नमस्कार।